दोस्तों आप लोग भी जो है कॉल फॉरवर्डिंग कर दिए हैं, बट अब जो है आप लोग उसे बंद करना चाहते हैं। दोस्तों आप ही लोग होता क्या है ना, कॉल फॉरवर्डिंग तो कर लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कैसे कॉल फॉरवर्डिंग को बंद किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉल फॉरवर्डिंग को कैसे आप लोग बंद कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को दोस्तों देखने के बाद आप लोग कॉल फॉरवर्डिंग कैसे बंद की जाती है आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना होगा। तो कैसे कैसे क्या करना सब कुछ मैं आपको बताता हूँ, ऐसे कॉल फॉरवर्डिंग बंद करना है, आइए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में दबाना मत भूलिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको बताते हैं फिर कैसे कैसे क्या करना है। तो दोस्तों कॉल फॉरवर्डिंग बंद करने के लिए सिंपल आपको अपने डायलर में आ जाना है। एंड दोस्तों डायलर में आने के बाद दोस्तों आपको कुछ जो है यहाँ पर डायल करना है। डायल में दोस्तों आपको ये लिखना है, यहाँ पर जो है आपको लिखना है ठीक है, फिर आपको 00 2 और हैच आपको लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से यहाँ पर मतलब जो है डायल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिखा दे कॉल फॉरवर्डिंग कनेक्शन, मतलब यहाँ पर दोस्तों हमने कॉल फॉरवर्डिंग किया नहीं है इसलिए हमें दिखा रहा है। अगर हम कॉल फॉरवर्डिंग करते तो वहाँ पर जो है यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाता ठीक है। तो आसानी से आप लोग कॉल फॉरवर्डिंग जो है बंद कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके बताइएगा, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।